आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बिजली दरों की वृद्धि के प्रस्ताव के विरोध में बुधवार को लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपके राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में राजधानी के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि पिछली विधानसभा चुनाव में आम उपभोक्ताओं को सस्ती और किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई उत्तर प्रदेश सरकार बिजली के दामों में 25% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने बिजली के दामों में वृद्धि की तो आम आदमी पार्टी इसका कड़ा विरोध करेगी। संजय सिंह ने कहा कि आज धरने के माध्यम से हम योगी सरकार को केवल चेतावनी दे रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में मुन्ना खान, सावित्री देवी, विनय कुमार शर्मा एडवोकेट, गीतांजलि, राजेश आर्या, अभिषेक, मोनी शर्मा आदि आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशियों एवं नेताओं ने भाग लिया। गार्डन में आम आदमी पार्टी का संजय सिंह के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है, बिजली की दरों को बढ़ोतरी को लेकर क्या कहना चाहिए आप? हम लोग ये तो धरना करते हैं, अभी और भी धरना करेंगे क्योंकि सरकार की हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हो पा रही है। जनता हमारी खुश नहीं है, सरकार अपनी मनमानी से जो चाहती वो करती है और विपक्ष भी इतना कोई मजबूत भी नहीं है कि वो इनके खिलाफ कोई बोले। यही आम आदमी पार्टी है जो हम लोग एक साथ खड़े होके और बढ़िया से इनको सबक सिखाते हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी धरना देंगे, जनता को सुविधा जन जन तक पहुंचाएंगे। और यही हमारी आप लोग हमारे मीडियम से अनुरोध है कि हमारी आवाज़ ये पहुँचाएँ और हम लोग ऐसे धरना देंगे क्योंकि जब तक सरकार को हम लोग सबक नहीं सिखाएंगे तो सरकार सुधरेगी नहीं। चुनाव के नतीजे पे असर तो बहुत ही ज्यादा अभी से दिख रहा है क्योंकि जनता में आक्रोश, जिन्होंने काम तो किए नहीं, सिर्फ फोटो खिंचवाए, माला पहनवाए, यही किए, बाकी कोई ऐसा काम नहीं किए। और हम चाहते हैं कि फोटो माला और पद देना ये कोई वो नहीं होती, जनता के साथ काम करना और जनता को जन जन सुविधा पहुँचाना, ये सब हमारे लोग के लिए हम लोग आए हैं। और अब हम लोग ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हर जनता को एक एक सुविधा दे जारी रहेगा। जी जी, आम आदमी पार्टी का जो धरना प्रदर्शन है संजय सिंह के नेतृत्व में उसमें आई है बिजली की जो दरें हैं उनको प्रस्तावित बढ़ोतरी को क्या कहना कहता है? कहना ये कहते हैं कि जो बिजली का है 300 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, पानी फ्री होनी चाहिए 300, बच्चों की पढ़ाई के लिए होना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, उसको भी सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी सुविधा मिलना चाहिए। महिलाएं जो परेशान है, महिलाएं को कारोबार नहीं, महिलाएं बहुत बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर मोदी ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो हमको जो है सारी सुविधाएं महिलाओं को चाहिए। आप भावी पार्षद भी हैं, आप पार्षद हैं, तो आप क्या चाहेंगे अपने क्षेत्र में किस तरह का बदलाव करेंगे? अपने क्षेत्र में काम करूंगी, जो भी करती पाठशाला कराती हूँ, कन्यादान कराती हूँ, शादी का कार्य कराती हूँ, रोड देखती हूँ और हमारे ऊर्जा हमारा जो है आज एक दिन दिवसीय जो संजय सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन है बिजली की दरों में जो प्रस्तावित वृद्धि है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि 2022 में योगी आदित्यनाथ ने एक वादा किया था कि हम इलेक्शन 2022 में वादा किया था कि बिजली हम हाफ करेंगे, बिजली का जो दाम है वो आधी रेट करेंगे और आधी रेट की बजाय ये वर्तमान में योगी आदित्यनाथ ने जो वादा किया था उस वादे से पलट करके इन्होंने बिजली के दामों में वृद्धि जो की है वो जनता के साथ, उत्तर प्रदेश के मतदाता के साथ सरासर अन्याय है। पार्टी उत्तर प्रदेश में ये बताना चाहती है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी के हित के लिए काम करती है और जो बिजली का जो दाम बढ़ाया गया है, इन दामों में जो वृद्धि हुई है वो योगी आदित्यनाथ को वापस लेना चाहिए, इसलिए ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। पार्षद प्रत्याशी हूँ, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ, जब से अन्ना हजारे आंदोलन हुआ है तब से पार्टी बनी है, तब से मैं इस पार्टी का एक सच्चा आज इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में तो पर्वत भी हिला सकता है। अरे सियासत, तूने कभी सोचा नहीं।
चैनल देशपद्धन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।